हाय, गुड मॉर्निंग ऑल सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मुझे दो चीजें आपको बतानी है। नंबर वन, मेरा रिक्वेस्ट है कि नीचे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, उसके साइड पे बेल आइकन है, वो बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन आए। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। इसके साथ में और वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ मेरे रिविजन क्लासेस के। नंबर टू, स्टूडेंट्स स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ये वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ चलें। मेरे पास आपके लिए एंड में एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, मैं प्रॉमिस करता हूं उससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड अहेड। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे लास्ट मिनट आपको सीएस फाउंडेशन के लिए पढ़ना है, और ना ही सिर्फ पढ़ना है लास्ट मिनट एक दिन पहले, बट हाउ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन सीएस फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। सबसे पहले तो सेक्शन ए, ये गोल्डन एरिया है स्टडी का। सेक्शन ए क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो प्राइमरीली सेक्शन ए पे फोकस करेगा। सेक्शन ए, ये जो आपका सैटरडे का पेपर होता है, जिसके अंदर आपके दो डिफरेंट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो बी लॉ, और उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कम्युनिकेशन, इसको सेक्शन ए बोलते हैं। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कुछ अकाउंट्स नहीं है, स्टैट्स नहीं है, बहुत सिंपल एरिया है। और ये एरिया में लास्ट मिनट पढ़ के भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस गोल्डन एरिया, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ये गोल्डन एरिया या गोल्डन सब्जेक्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बाय स्टडिंग फॉर वेरी लेस नंबर ऑफ आवर्स आप आराम से 80-90 मार्क्स ला सकते हैं। नाउ इफ यू लुक एट अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, इको में बहुत पढ़ना पड़ता है, और उतना पढ़ के भी उतने मार्क्स नहीं आते जितना हमने सोचा था। बट ये वाले जो एरियाज होते हैं, बहुत अच्छा टाइम कॉस्ट एनालिसिस यहाँ पे होता है, मतलब कि वेरी लेस टाइम या कॉस्ट आप डालेंगे तो बहुत हाई बेनिफिट आपको एक्री होगा, बहुत हाई बेनिफिट आपको मिलेगा। सो दिस इज गोल्डन एरिया। लास्ट मिनट आप बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करके गुड स्कोर ला सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज बता दूं। स्टूडेंट्स हमेशा मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर टाइम इनफ नहीं है, और यू नो मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई है, और सर मेरा तो ध्यान नहीं लगा, और सर ये सिचुएशन हो गया, और सर वो सिचुएशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम हम सबके लाइफ में, बट हर दिन जुगाड़ हम सबको करना पड़ता है, हर दिन हसल हम सबको करना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, नो मैटर हाउ मच टाइम यू हैव, लेट इट बी 2 hours, 3 hours, 6 hours, 1 day बिफोर एग्जाम। 3 घंटे, 4 घंटे में भी बहुत अच्छी आप पढ़ाई कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, इवन इन 2 hours, 3 hours यू कैन मेक नोट्स। आप छोटे छोटे कंसाइज नोट्स बना सकते हो, सारे एरियाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े पैराज दिए हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, वो लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली कहां से पढ़ना है, आप मेरी बात ध्यान से सुने। सो लास्ट मिनट भी पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। इफ आई कुड गेट 10 rupees कि मेरे कौन से बच्चे ने लास्ट मिनट बोला सर मैं फेल होने वाला हूं, और बच्चे को मेरिट रैंक आया, तो आई विल बी सो रिच राइट नाउ। ओके, सो लास्ट मिनट पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। नंबर टू, मुझे ये बताना था कि जो भी आप पढ़ते राइट इट डाउन। यस, आपको ये लिख के लेना है ना। अगर ये एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का गाइडेंस सेशन होता ना, तो मैं बोलता कि थोड़े नोट्स डिटेल बनाओ, बट सुनो हमें एमसीक्यू है, तो हमें क्या करना है कि हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है हाइलाइटिंग का। सो वी हैव टू हाइलाइट ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज इवन एट द लास्ट मिनट। आप एक घंटा पहले भी एग्जाम पेपर है तो भी आपको वो करना है। एंड नंबर टू, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको लिख के लेने, जैसे कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये वर्ड किसने कॉइन किया था, तो आंसर है जोसेफ शंपिटर। एडम स्मिथ की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका ईयर क्या है, द आंसर इज 1890। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेफिनेशन में कितना इन्वेस्टमेंट आता है, माइक्रो मीडियम में कितना आता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स आपको जॉट डाउन करके लेने हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक एक्टिव पार्टनर को क्या बोलते हैं, तो आंसर है ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी उसको बोलते हैं, राइट। तो ये छोटे 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 पॉइंट्स आप लिख के ले लो। जैसे कि जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक पेज ले सकते हो, वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आप एक चार्ट बना सकते हैं। स्टिल टिल द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ बहुत स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, आपको एक बहुत अच्छा नोट्स का गिफ्ट में देने वाला हूँ। वैसे आप डॉक्यूमेंट जो है कंपनी के, एमओए, एओए, कौन सा चार्टर है, कहां पे ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्या वेरियस पॉइंट्स है, यू कैन जॉट ऑल ऑफ दिस डाउन ऑन वन पेज। ये लास्ट मिनट रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगा। देन एमएनसी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एकदम हेडिंग पॉइंट लिख सकते हैं, फ्रेंचाइजी का मीनिंग लिख सकते हैं, एग्रीगेशन क्या है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन, ये सब आप लिख सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू लास्ट मिनट। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो,
जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो होता ये है कि पढ़ते टाइम हमें हमेशा एक प्रेशर होता है कि यार मुझे याद आ रहा है क्या, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। बट वेन यू मेक नोट्स यू गेट वेरी रिलैक्स्ड, आपको साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि आपका बहुत अच्छा पढ़ाई हो गया है। और इवन तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा होगा ना, आज क्रिसमस का दिन है यार, आज तो छुट्टी का दिन है, सब लोग यहाँ वहां घूम रहे हैं, मैं घर पे पढ़ रहा हूँ, मान लो आपका ध्यान नहीं लग रहा है। When you start making notes, even small, small points, okay? When I say making notes, I am just saying 2 to 3 pages, 2 to 3 sheets per subject, बस उतना ही। उससे भी आपको हेल्प होगा, आपका ध्यान लगेगा, फोर्सफुली आपका ध्यान लगेगा, प्लस साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे तो सब आता है। एग्जाम के लास्ट मिनट पहले, 2-3 घंटा एग्जाम के पहले आप ये नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, ओके? सो प्लीज नोट्स बनाएं एंड स्टूडेंट्स लिसन टू मी। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार ये तो लास्ट के 3 दिन है या 2 दिन है, 1 दिन है, कुछ घंटे है, लास्ट मिनट में क्यों नोट्स बनाओ, इसका क्या फायदा होगा। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। नोट मेकिंग अगर आज आप करोगे तो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में नोट मेकिंग का आपका स्किल अच्छा डेवलप होगा। आज इतने सारे नोट्स बना के वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज याद रखना कि एरियाज लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, देन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एग्जीक्यूटिव में रिपीट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द एरिया दैट यू आर स्टडीइंग इन सीएस फाउंडेशन इज गेटिंग रिपीटेड इन सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। तो यार कुछ हो ना हो, आपको पक्का से नोट्स हेल्प करेंगे, ओके? और सुनो स्टूडेंट्स, मान लो कि आपको 100 पेजेस पढ़ने हैं, मान लो कि आपको 100 एरियाज पढ़ने हैं, मैं ये बोलता हूं कि 5-10 एरिया के भी नोट्स बना दिए तो इट विल हेल्प यू, इट विल ऑटोमेटिकली पुश अप योर स्कोर। 100% सबके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सो बिल्कुल भी लेजी ना हो, हार्डवर्क से पीछे ना हटे, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क एक साथ करना है अपने को, फटाफट नोट्स बनाने। ऑलराइट, देन स्टूडेंट्स मैं कितना भी स्ट्रेस करूं ये चीज के ऊपर, वो स्ट्रेस कम होगा। दी पॉइंट, द सीक्रेट पॉइंट नंबर 3 इज दैट यू शुड हैव एडिक्वेट स्लीप। स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार सीए फाइनल में मेरे साथ हुआ था, अच्छा सब्जेक्ट था, मेरे को आता सब कुछ था, मैंने ना जागरण और जगराते किए, रात भर मैं सोया ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोया, मैंने सोचा अच्छे से पढ़ लूंगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और स्टूडेंट्स जब एग्जाम हॉल में गया ना, मैं इतना थका था, मुझे इतनी नींद आई 3 घंटा, नॉलेज तो था बट नॉलेज बाहर नहीं आ रहा था, एवरीवन मुझे लिखने में पेपर बहुत डिफिकल्टी हुई। वो दिन मैंने रियलाइज किया द पावर ऑफ स्लीप। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जो भी पढ़ रहे हो ये सब आप लास्ट 2.5 years मतलब 11वीं से पढ़ रहे हो। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट क्या होती है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सब हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। 2.5 साल से आप ये पेपर की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट्स। लास्ट मिनट इंफॉर्मेशन बाहर आना बहुत जरूरी है, उसके लिए काम और कूल माइंड आपको चाहिए। अगर आपके मन में ही तनाव होगा, मन में एंजाइटी होगी, तो आप नहीं परफॉर्म करोगे। अगर आप नींद में होगे तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। सिर्फ 1.5 घंटा सैटरडे को स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला है पेपर आपका अटेम्प्ट करने के लिए। वो टाइम पे अ काम माइंड, अ कंपोज्ड कूल माइंड इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस। अगर आपकी नींद अच्छी होगी, अगर सही ढंग का खाना खाया होगा, तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होगा एज कंपेयर टू क्रैमिंग एवरीथिंग द एंटायर नाइट, ओके? ये चीज आप ध्यान में रखना। जब आप सोते हैं 5-6 घंटा एटलीस्ट आपको सोना एग्जाम से 1-2 दिन पहले, इससे कंफर्टेबल आपका माइंड कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आफ्टरनून को आप आधे घंटे का पावर नैप ले सकते हैं, तो आधा घंटा सो के ऐसा बिलीव करना कि 2-3 घंटे हमने सो लिया, और जैसे आप सुबह उठोगे यू विल बी रिजुविनेटेड, यू विल बी पंप्ड, आपको ऐसा लगेगा कि एक नई मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, आपका फोकस उतना बढ़ेगा। और एक स्टूडेंट्स चीज मुझे आपको बतानी थी, अब मैं ब्लड शुगर और बॉडी मेटाबॉलिज्म और ये सारी चीजों में नहीं जाने वाला, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, हर 4 से 5 घंटे में अगर आप खाना खा लोगे, थोड़ा थोड़ा खाना, हेल्दी खाना, साथ में चाय कॉफी या ऐसे कुछ स्टिमुलेंट्स ले लोगे जिसमें कैफीन होता है, तो आपका बहुत अच्छा फोकस लगेगा, प्लस आपको एक छोटा सा ब्रेक मिल जाएगा 15 मिनट का। सो डेफिनेटली बीच बीच में खाना खाएं, चाय कॉफी बीच बीच में ले, डोंट ओवरडू इट, बहुत ज्यादा ये नहीं करना, चाय कॉफी बहुत ज्यादा ले लेनी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लो और एक दिन में 2-3 बार आप डेफिनेटली ले सकते हैं, ओके? स्टूडेंट्स आर नाउ मूविंग ओवर टू टेक्निकल गाइडेंस, और अब मैं आपको क्विकली बताने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। सो सबसे पहले तो आपको फोकस करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉड्यूल लेंगे और लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा जाएंगे, डोंट डू दैट।
फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरिया। इंपॉर्टेंट एरिया कैसे समझेंगे आपको, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ और फिर मैं आपको कुछ फाइल्स भेजने वाला हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट एरिया एंड मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। जो पॉइंट्स आपको लग रहे कि नहीं यार हम भूल रहे हैं, नहीं यार ये पॉइंट्स हम एक बार लिख के लेने चाहिए, नहीं यार ये पॉइंट्स एग्जाम से 3 घंटा पहले मुझे रिवाइज करना है, उतने पॉइंट्स आपको लिख के ले लेना है। नाउ स्टूडेंट्स लिसन, वी आर प्राइमरी टॉकिंग अबाउट पेपर 1 and 2 अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के जो एरियाज है उसका मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आपको अलग से देखना है, उसका प्रिपरेशन प्लान आपका अलग होगा, उसकी स्ट्रैटेजी आपकी अलग होगी। तो स्टूडेंट्स ये दो पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, एक में तो है बिजनेस एनवायरमेंट 20 MCQ, लॉ 30 MCQ, तो योगा 50 MCQs, और नीचे है बिजनेस मैनेजमेंट 20 MCQ, एथिक्स 5, एंटरप्रेन्योरशिप 12 से 13 और कम्युनिकेशन 12 से 13 MCQs, राइट। सो स्टूडेंट्स ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स मुझे क्या बोलते हैं कि अरे नहीं सर टेस्ट पेपर में स्कोर कम आ गया क्योंकि अकाउंट्स ठीक से नहीं हुआ था। अरे बेटा अगर आपका अकाउंट्स ठीक से नहीं हुआ था तो ये वाला जो एरिया, ये जो 100 MCQs है, ये 100 में से आपको 80-90 क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ठीक से पढ़ाई नहीं की गई। जब पढ़ाई की गई है तो नोट्स नहीं बनाए, नोट्स नहीं बनाए तो याद कैसे रहेगा आपको, आप रिवाइज कैसे करेंगे उसको। प्लीज लिसन टू मी स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी प्राइवेट चीज शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। When I was a young student giving CA inter exam, सुनो मेरी बात। एक subject था information technology, even auditing में ऐसा हुआ था। तो मैं honestly आपको बोल रहा हूँ, मैं young student था, मेरे को brains नहीं थे और मुझे guide करने के लिए कोई नहीं था। तो मैंने बहुत time pass किया और बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। पर जब exam का last minute आया ना, तो मैं काफी stress में था और exam के दिन तो आपको पता है क्या होता है, हमें super powers आ जाती है। तो यार मैंने सोचा कि सुनो, ऑडिटिंग और ये आईटी का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर 10 टॉपिक्स है, तो मैं काम करूंगा, मैं ना यार 4 टॉपिक के अच्छे से नोट्स बनाऊंगा और 4 टॉपिक ठीक से लिख के आऊंगा, मैं बाकी सब रीड करके जाऊंगा और अटेम्प्ट में जरूर करूंगा। मान लो फेल हो गया तो अगली बार के नोट्स बनाने के लिए 4 टॉपिक के नोट्स ऑलरेडी बने हुए, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो गई है। तो मैं बैठा 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 रात को लेट बैठा, सुबह जल्दी उठा, बैठा बैठा नोट्स बनाए, करते करते एग्जाम से एक दिन पहले मैंने 3030 पेजेस के नोट्स बनाए। और आपको पता है मेरे को ऑडिट में भी और आईटी में भी एग्जेम्पशन था। एग्जेम्पशन मतलब 60 से ऊपर अंक अगर आपको मिल गए, यू डोंट हैव टू गिव दैट पेपर अगेन, ओके एवरीवन। सो लास्ट मिनट पढ़ने में बहुत पावर होती है, मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपना लेवल बेस्ट दो और मैं जो टेक्निक बता रहा हूं वैसे स्मार्ट वर्क करो एंड यू आर 100% गोइंग टू पास, ओके। अब ध्यान से सुने एवरीवन, सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरमेंट की बात करते हैं। नाउ बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे कि चैप्टर 1 में अगर आप देखोगे तो व्हाट इज माइक्रो मैक्रो एनवायरमेंट, व्हाट इज इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उसके आगे चैप्टर 1 में ही ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन एलपीजी बोलते हैं उसको, उसके बाद में आगे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसका एक चार्ट बनाया अच्छा सा, आगे फ्रेंचाइजिंग लीजिंग एग्रीगेशन मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, ये सब पॉइंट्स है। इसके अलावा वेरियस लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री जैसे कि MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके क्या क्या लिमिट्स है। तो स्टूडेंट्स ये रहे सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, मैं क्या करने वाला हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको एक साथ अपने नंबर शेयर करूंगा, आप बस मुझे व्हाट्सएप पिंग भेज देना और मैं इंपॉर्टेंट एरियाज की आपको लिस्ट दे दूंगा पूरी। ऑल्सो ये जो बी है, बी का मैंने पूरा लेक्चर लिया है, रिविजन लेक्चर लिया है और ये रिविजन लेक्चर का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। वैसे ही स्टूडेंट्स लॉ में ध्यान से सुन लो मेरी बात, लॉ के अंदर कंपनी लॉ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नाउ कैसा है कि 6 to 8 डिफरेंट पेपर सेट्स होंगे, आपके पास जो क्वेश्चन आया आपके बाजू वाले के पास वो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके पास अलग क्वेश्चन आएंगे। तो इट डिपेंड्स, कुछ कुछ पेपर में कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत ज्यादा आता है, कुछ कुछ पेपर में सी लॉ ज्यादा आता है, बट जनरली ऐसा ऑफलेट हो रहा है कि लॉ के अंदर सबसे पहले तो कंपनी लॉ और नंबर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी बहुत जरूरी है, जो क्लास में 1.5 महीना कॉन्ट्रैक्ट लॉ सब सिखाता हूं तो उसके भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के भी कुछ कुछ पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉ में वैसे आप पढ़े इसका वीडियो है, मैं वीडियो इमीडिएटली अपलोड करूंगा अभी और साथ में नीचे में वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। आगे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ये तो आपको 12वीं में था ही, इसमें कुछ ज्यादा बच्चों को इशू नहीं आते, अभी हेनरी फॉयल फ्रेडरिक विंस्टन टेलर इनके जो प्रिंसिपल्स है वो पढ़ लो, फिर बहुत सारे वेरियस बिजनेस फंक्शंस है जैसे कि प्लानिंग है डायरेक्टिंग है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ये सब पढ़ लो। प्लानिंग ये प्राइमरी फंक्शन है, ऐसा बार बार MCQ आ जाता है। तो एवरीवन ये वेरियस फंक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़
पढ़ लो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है बिजनेस मैनेजमेंट में। अब एथिक्स के बारे में देखो स्टूडेंट्स, एथिक्स के आई थिंक मॉड्यूल में कुछ 7-8 पेजेस है, इवन जो मेरे क्लास नोट्स है उसमें मैंने सिर्फ कुछ 7-8 पेजेस में एथिक्स खत्म किया हुआ है। तो एथिक्स पढ़ लें, इसके अलावा मेरे से नोट्स ले लेना कि व्हाट इज स्किमिंग, देन व्हाट इज ओम्बड्स पर्सन, देन व्हाट इज सार्बन्स ऑक्सले एक्ट, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कॉर्पोरेट फिलोंथ्रोफी क्या होती है, राइट? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट एरिया जरूर पढ़ लेना, इस पे एमसीक्यू आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी काफी इजी है, इसमें टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, देन एंटरप्रेन्योर आपको क्यों बनना है, इनोवेशन क्रिएटिविटी वाला एरिया, और ऑफलेट एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एरिया डाला हुआ है, वो बहुत जरूरी है। बिजनेस कम्युनिकेशन में आप ध्यान से सुने, बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको क्या करना है, वो जो पूरा लिस्ट दिया हुआ है उन्होंने मॉड्यूल में, वेरियस सिनोनिम्स, हिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब लिस्ट एक बार पढ़ लो, वहां पे जो वर्ड्स आप बार बार भूल रहे हैं उसको स्टार कर दो, उसको एक बार आप नोट डाउन कर दो, वो सारे वर्ड्स को आप याद रखो। सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। नंबर टू, ये जो लेटर और रिपोर्ट्स दिए वो बिल्कुल रीड नहीं करना है, बट उसके बीच में थ्योरी दी हुई है, व्हाट इज अ गुडविल लेटर, देन व्हाट इज अ रिपोर्ट, तो ये वाली जो बीच में लेटर के बीच में थ्योरी दी वो वाली आप एक बार थ्योरी पढ़ो। इसके अलावा एडजेक्टिव क्या है, नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या है, आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, और व्हाट इज अ क्रेसेंट ब्रैकेट, यू नो वो व्हाट इज दैट इनवर्टेड कॉमा एंड कॉमास का क्या मीनिंग है, वो सब एक एरिया दिया हुआ है। मैंने लास्ट 2 साल से बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाया नहीं, बट वो वाले जो सारे एरियाज है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या क्या उसमें दिया है, बट वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, राइट? तो स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरमेंट का वीडियो है, लॉ का मेरे पास वीडियो है, उसके बाद में एथिक्स का मेरे पास वीडियो है, तो ये सारे वीडियोज मैं अपलोड करूंगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डालता हूँ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है इसके आप मेरे से लिस्ट ले लो। कैसे मेरे से लिस्ट लेना है सुन लो आप, मेरा जो प्राइवेट नंबर है वो बहुत इजी है, 70 फिर 35 उसका आधा और 300 300, ओके? तो आप क्या करोगे, यू जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप पे। अगर आप पुणे में रहने वाले स्टूडेंट्स हो, इफ यू स्टे इन पुणे, बिकॉज आई एम बेस्ड इन पुणे, आई कैन डायरेक्टली गिव यू द हार्ड कॉपी ऑफ सर्टन इंपॉर्टेंट नोट्स, तो यू कैन डायरेक्टली पिंग मी, टेल मी कि सर मैं पुणे में रहता हूँ, तो वी कैन मीट एंड यू नो आई कैन गाइड यू विद दोस नोट्स। इन एनी केस, अगर आप पुणे में या इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं, यू जस्ट सेंड मी दिस थिंग और मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज की लिस्ट दे दूंगा, साथ में मेरे जो वीडियोस है उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके? स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, मैं अपने बारे में अभी इमीडिएटली बताऊंगा नहीं बहुत कुछ, आप ये वीडियो सुन लो, आप नॉलेज ले लो, आप टेक्निक सुन लो, बट स्टूडेंट्स मैं बहुत सालों से CS, CMS को सिखा रहा हूँ, और मेरे यहाँ पे मेरा CS फाउंडेशन का ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है। हार्डली कभी कोई एक हद स्टूडेंट होता है जो पास नहीं होता, और वो भी इसलिए क्योंकि वो क्लास नहीं आते, या होमवर्क नहीं करते, या अटेंड नहीं करते। स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे मेरा परफेक्ट 100% रिजल्ट आता है, और मैंने CS फाउंडेशन के ऑल एरियाज आज नहीं तो कल सिखाए हुए हैं। जब मैंने एकेडमी शुरू की थी तो सब एरियाज में ही सिखाता था। अभी ऑफलेट मैंने कुछ टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है कुछ सालों से, और वो कम्युनिकेशन जैसे एरिया सिखा रहे हैं, बट सारे एरियाज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स मेरे पास है, तो वो आप जरूर उनसे ले लें। आगे याद रखना कि लॉ में सारी सेक्शन केस लॉ फाउंडेशन लेवल पे याद रखने की जरूरत नहीं है। होता यह है कि सिर्फ एक या दो या जीरो एमसीक्यूज आएंगे केस स्टडी के ऊपर या सेक्शन के ऊपर, वो छोड़ दो आप। 100 एमसीक्यूज है, 100 में से 98 ले लो आप, दो एमसीक्यू छोड़ दो, करेक्ट एरिया पे फोकस करो। हाँ, अब माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मोहरी पीपी वर्सेस धर्मदास दोष, कंपनी इज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन, सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन, माइनर का और एक कोर्ट केस है नैश वर्सेस इनमैन, देन बैल्फर वर्सेस बैल्फर में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट नहीं दिया, तो ये सोशल एग्रीमेंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो वाइफ अमाउंट क्लेम नहीं कर पाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केस आप डेफिनेटली याद रख सकते हो। कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, सेक्शन 11 में दिया हुआ है, राइट? तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, बट फाउंडेशन लेवल पे ये सब की कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज उसका स्ट्रेस ना लें। देन स्टूडेंट्स, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएं, प्लीज यूज प्रोसेस डायग्राम और की पॉइंट्स लिखें। नाउ लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स, मैं आपको क्विकली ये सीक्रेट बता दूं जो जिसके लिए हम रुके थे। मैं ऐसे मेगा चार्ट्स, ये A3 शीट्स है, मतलब कि लेटर साइज का डबल साइज है,
ऐसे मेगा चार्ट्स मैं लास्ट 7-8 इयर्स से बना रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ लास्ट 13-14 इयर्स से स्टूडेंट्स। मैंने सीएससीएस के वेरियस लेवल्स के लिए मोर देन 300 मेगा चार्ट्स अब तक बनाए हुए हैं। आप जब मुझे ये पिन भेजेंगे तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेगा चार्ट्स आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि पूरा वीडियो देखने के बाद नीचे मुझे सजेशंस दें, कमेंट्स दें, पॉजिटिव कमेंट्स दें, मुझे बताएं कि वीडियो ने आपको कैसे हेल्प किया और मैं और क्या कर सकता हूं आपको हेल्प करने के लिए। ओके, आई एम मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, गेट इनटू हाई परफॉर्मेंस मोड। अब सुनो आप मेरी बात ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं कि यार चलो छुट्टी चल रही है, क्रिसमस चल रहा है, मेरे बाकी के जो बीकॉम के फ्रेंड्स हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और मेरे पापा मम्मी ने यहाँ टीवी लगा दिया है, मेरे पास रूम नहीं है पढ़ने के लिए, मेरे पास जगह नहीं है और मोबाइल में बैठेंगे दिन भर इंस्टाग्राम की स्टोरीज हम चेक करेंगे, व्हाट्सएप पिन चेक करेंगे। डोंट डू दैट, मोबाइल फोन को ऑफ करो, आपकी ये मोबाइल फोन लाइफ बर्बाद करेगा। टर्न इट ऑफ, उसको दूसरे रूम में रखो और आप चुपचाप से अपनी पढ़ाई करो। स्टूडेंट्स आज क्रिसमस का डे है और मैं सुबह 4:30 से उठा हुआ हूं और मैं सुबह सुबह यहां पे अपने ऑफिस में अकेला आया हूं, मेरा कोई स्टाफ कोई टीममेट यहां पे नहीं है और मैं हसल करता हूं, जुगाड़ करता हूं, हर दिन मैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करता हूं। स्टूडेंट्स हार्ड वर्क को कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, आपको एक करना ही पड़ेगा। दूसरी ये चीज स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आके बोलते हैं सर मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने जो पढ़ा है मैं भूल रहा हूं और सर रिजल्ट में क्या होगा, विल आई फेल। अरे ये सब आपको नहीं सोचना है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा लास्ट मिनट भी आप पढ़ रहे हैं, गिव इट योर लेवल बेस्ट, मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, कोई फ्रेंड से मिलना नहीं है, ब्रेक डेफिनेटली बीच में लेना है 10-15 मिनट का, आधे घंटे का आप वीडियो देख लो, थोड़ा यूट्यूब में एक हद नेटफ्लिक्स में वीडियो देख लो, नो प्रॉब्लम, बट इससे ज्यादा आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ओके, ऑल्सो आप डेली पढ़ाई करो, आप हर एक एक घंटा पढ़ाई करो, मेक एवरी आवर काउंट। एंड स्टूडेंट्स जो रिजल्ट है वो सेकेंडरी है, जो होता है होने दो, जो आगे रिजल्ट आएगा आने दो, इसका आपको आज कुछ चिंता नहीं करनी। आपको ना नॉलेज लेना है, आपको पढ़ाई करनी है, ये नॉलेज आपको आज ही नहीं एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल पूरी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये विजन आपको शायद आज नहीं दिख रहा होगा बट मेरी बात ध्यान से सुने, ये नॉलेज ये जो पढ़ाई करने का प्रोसेस है इसको आप एंजॉय करें, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, फोकस करें, नॉलेज लें और स्टूडेंट्स जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और एग्जाम में जो चीजें आपको याद आनी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डू नॉट थिंक अबाउट मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगी और फिर मुझे याद आएगा क्या, अरे याद आए इसलिए तो हम नोट्स बना रहे हैं, इसलिए तो हम लास्ट मिनट वो नोट्स को एक बार रिवाइज करने वाले और हमें अच्छा स्कोर आए इसी के लिए तो हम लोग इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट आज सेकेंडरी, If you are studying today, आप अगर आज पढ़ रहे हो, if you are giving your level best, तो students result कुछ भी आने दो, you have my respect. Giving the exam itself is a victory, dear students. अच्छे से focus करें, अपना अच्छा career बनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, good results and good output definitely आएगा। मुझे नहीं मालूम कि सुबह सुबह क्रिसमस के दिन मैं उठाऊं, मेरे कुछ 30 बच्चे उनके लिए मैंने वीडियो बनाया, बस 30 बच्चों के बारे में सोचा है, मुझे नहीं पता कि कितना व्यूज आएगा, मुझे नहीं पता कितने कमेंट्स आएंगे, मुझे नहीं पता कि वीडियो से कितने और स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट होगा, बट आई डू माई हार्ड वर्क एनी वेज। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इफ आई डू इट एवरी डे आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, दैट मच आई नो। ओके, सो प्लीज हाई परफॉर्मेंस मोड पे रहे, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलोज, उसके बारे में सोचना नहीं है। एंड स्टूडेंट्स लास्ट चीज मेरी बात ध्यान से सुनो, यू हैव टू मेक दिस अटेम्प्ट काउंट। अब आपको क्या करना है, आपको अपना लेवल बेस्ट देना है, मैं वादा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद इंपॉर्टेंट एरियाज और ये जो सीक्रेट कुछ नोट्स है मेरे, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये शेयर करने के बाद आपको 100% हेल्प होगा। देखो मैं क्या क्या नोट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट दीज नोट्स। तो ये जो नोट्स है सालों सालों तक मैंने बनाए बहुत मेहनत करके, अब ये वाले नोट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सारे पॉइंट्स मैंने एक बहुत बड़े चार्ट में यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है, आप लास्ट मिनट इसको पढ़ सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, ये लॉ के नोट्स हैं,
उसके आगे कुछ अकाउंट्स के नोट्स हैं, ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं जो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। आई प्रॉमिस यू इससे आपको हेल्प होगा, इंपॉर्टेंट एरियाज में बताऊंगा, मेरे वीडियोस हैं इससे आपको, आई प्रॉमिस आपको हेल्प होगा। सो स्टूडेंट्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू पास। सिर्फ 200 पासिंग स्कोर हमें नहीं चाहिए, पासिंग स्कोर से हम कितना ऊपर जाते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार स्टूडेंट्स, एक बार आप अपना लेवल बेस्ट ये एग्जाम में दे दो सीएस फाउंडेशन में, मैं आपसे वादा करता हूं आगे की लाइफ आपकी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। जब फरवरी में आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा, यू विल ऑटोमेटिकली बी पंप फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, आई प्रॉमिस यू। स्मार्ट वर्क करना है, स्ट्रेटेजिकली आपको करना है, लीस्ट टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको अचीव करना है। आप मेरिट रैंक भी लास्ट मिनट ला सकते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो गिव योर लेवल बेस्ट, एक बार वो अच्छा आउटपुट आ गया ना स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू बी ऑन क्लाउड 9। एवरीवन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, घर पे पेरेंट्स रिलेटिव सबका प्रेशर कम हो जाएगा, एवरीवन इज गोइंग टू बी हैप्पी। ओके सो स्टूडेंट्स गिव योर लेवल बेस्ट, मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजें। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मैं स्पेशल नोट्स मेरे डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एरियाज प्लस अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, ये मेरे बहुत फोकस एरियाज है। मेरी एकेडमी में सारे अकाउंट्स की क्लास नहीं लेता हूं, वहां पे मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मिनट आपको कैसे पास होना है। ओके सो स्टूडेंट्स नीचे डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, कमेंट्स डालें, पॉजिटिव कमेंट्स डालें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, आई विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।